अपने सहयोगी गणेश जोशी के साथ सर्वे पे निकले हम आज उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। अभी अभी टेहरी में गाड़ी गिरी थी और RTO का लगातार कई जगह पर आचर चालान कट रहे और ऐसा सुनने को मिला है कि बहुत ज़्यादा आजकल धरपकड़ चल रही है। तो आखिर सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जब कोई इंसिडेंट होती है और तभी चालान कटनी चालू होती है, तो आखिर इस तरीके से क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यू रूटीन में क्यों नहीं चालान काटती? और जब मैं वहाँ पर निकलता हूँ तो एक मुझे और बात निकल के आती है, साल्ड का एक रोड है, साल्ड और उत्तरकाशी जो गाड़ी जाती है, जिस 4 दिन पहले तक 20 रुपीज़ चार्ज था और बिना RTO के इंटीमेशन, विदाउट इंटीमेशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दे आर चार्जिंग 30 रुपीज़। तो आखिर जब लोग उनसे पूछने कोशिश कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन कहाँ है जहाँ पर 30 रुपीज़ कर दिया गया है, तो बिल्कुल बताने को तैयार नहीं है। तो कई बार जब हमें एक दो दिन से जब शिकायत मिली है तो उस पर हम पहुँचे हुए हैं, तो आखिरकार ये जाने कोशिश करते हैं, पूछ के देखता हूँ। एक मेरे साथ यहाँ पर हैं पुलिस वाले, डेली आना जाना करते हैं, तो आप सोच सकते हैं। पूछता हूँ, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हत्तर सिंह नेगी है। नेगी जी, आप कहाँ से आते हैं? हम साल्ड से आते हैं नेगी, और 3 दिनों से ₹30, चाहे कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, ये बोलते पहले कितना था? पहले 20 रुपये माँ करते। तो आप तो साहब पुलिस लाइन में, तो आपने बोला नहीं कि पुलिस लाइन, हमने बोला कागज लाओ सब कुछ। सुबह भी कहने लग गया बैंड पे, वहाँ पे यहाँ तो बैंड पे कि 20-30 रुपए दो, नहीं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। माने क्या, वो लड़ाई करने के लिए भी आपको डेली किराया देना पड़ता है? डेली आप जब आते हैं, आपको क्या पुलिस वालों के लिए आप ड्यूटी पर आते हैं? कोई संविधान नहीं इस चीज का, कोई ऐसा कोई आपकी हेल्प नहीं करता है? कोई हेल्प, किराया देना होता है, वो 30 रुपए कर दिया गया। 30 रुपए तो ड्राइवर ने बोला नहीं कागज दिखाने के लिए? मैंने खुद बोला कि कागज दिखाओ, RTO साहब का अगर कहीं वो है, DM साहब का कहीं लिख के दे रखा है तो बताइए। नहीं दो हमारे, चलिए ये लगभग 3-4 दिन हो गया जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अतर सिंह जी। और ये देखिए, एक पुलिस में होने के बाद जी, सबसे बड़ी बात आप होमगार्ड में हैं जी सर, पुलिस होमगार्ड में, और इनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। चलिए दूसरी बात निकल के ये आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव किस नींद में सो रखे, क्या उनको पता नहीं रहता क्या हो रहा बाजार में? इस तरीके से यदि पब्लिक को तंग किया जाएगा और बीइंग पुलिस होने के बाद उनको तंग किया जा रहा, बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी पूरी तरह से जगेंगे और जब ऐसी कोई अपनी मर्जी से कार्रवाई करते हैं तो उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी और उनसे पूछताछ होगी, उनके चालान भी काट दिए जाएंगे। इसके अलावा पूछो, कुल मिला के चालान काट रहे एक सॉल्यूशन नहीं है, लगातार चालान कटने की घटना आती है। उम्मीद करेंगे कुछ ट्रेनिंग कैंप चलाए जाएं ताकि ड्राइवर, और जो आप जब चेक करते हैं, जैसे अभी घटना देखने को मिलती है, पहले से रूटीन वाइज स्कूलों की गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें रूटीन से चेक होनी चाहिए। जब हम अभी शूट पे गए थे गंगोत्री धाम में, कांवड़ियों को देखने को मिला कि 3-3 लोग जा रहे थे, उस टाइम भी हमने बराबर न्यूज लगाई। उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जगेगा और सम बिल्कुल एकदम कंसोलिडेटेड एक्शन विल बी टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव, सो पब्लिक विल गेट द रिलीफ एंड सेम जस्टिफिकेशन विद द पब्लिक। आई होप दैट विद गणेश जोशी विद मी, माई सहयोगी के रूप में गणेश जोशी के साथ महेश बोगड़ा, उत्तरकाशी उत्तराखंड से।